ये कहानी खून से लिखी हुई है। अगर आगे बढ़ाना है। KGF 2 की सक्सेस से गदगद प्रशांत नील अब एक और मास्टरपीस सालार लेकर आ रहे हैं। एक एक कर फिल्म के किरदारों से पर्दा उठाया जा रहा है। सालार में प्रभास और श्रुति हसन लीड रोल निभा रहे हैं। इनके बाद अब एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। साउथ एक्टर और फिल्म मेकर पृथ्वीराज सुकुमारन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बेहद पॉपुलर स्टार हैं। पृथ्वीराज आज यानी 16 अक्टूबर को अपना बर्थडे मना रहे हैं। ऐसे में सालार के मेकर्स ने उन्हें सरप्राइज देते हुए फिल्म से उनका फर्स्ट लुक आउट किया है और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। लॉन्च हुए पोस्टर में पृथ्वीराज रफ एंड टफ लुक में नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर कई सारे चोट के निशान दिख रहे हैं। गले में भारी चोकर पहने और माथे पर काला टीका लगाए पृथ्वीराज का इंटेंस लुक डरा देने वाला है। सालार में ये वर्धराज मन्नार की भूमिका में नजर आएंगे। अब वो फिल्म में प्रभास के खिलाफ है या उनके साथ, ये तो ट्रेलर सामने आने के बाद ही पता चलेगा। पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, ये है सालार के वर्धराज मन्नार। पैरेलल या मेनस्ट्रीम, अर्थ हाउस या कमर्शियल, उन्होंने हमेशा एक एंटरटेनिंग और आकर्षक अभिनय के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। सबसे वर्सेटाइल पृथ्वीराज को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सालार में प्रभास, श्रुति और पृथ्वीराज के अलावा जगपति बाबू भी शामिल हैं। विलन के रूप में उनके खतरनाक लुक को मेकर्स पहले ही रिलीज कर चुके हैं। इनके अलावा फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम किरदार में हैं। सालार का प्रोडक्शन हुम्बेल फिल्म्स के बैनर तले विजय किरंगन दूर कर रहे हैं। प्रभास के वर्क फ्रंट की बात करें तो सालार के अलावा वो फिल्म आदि पुरुष और प्रोजेक्ट के में नजर आए थे। प्रभास की सालार SRK की डंकी से क्लैश हो रही है, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लैश माना जा रहा है। इस बीच शाहरुख खान और प्रभास फैंस के बीच मौजूद जुगलबंदी हो रही है। सारा मामला खड़ा हुआ डंकी और सालार के क्लैश की वजह से। आपको क्रोनोलॉजी बताते हैं। जब सालार 28 सितंबर से पोस्टपोन हुई तो कहा गया कि अब इसे नवंबर में रिलीज किया जाएगा। शाहरुख फैंस ने उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी, प्रभास को फुल सपोर्ट दिया क्योंकि नवंबर में सलमान खान की टाइगर 3 आ रही थी। मगर फिर पता चला कि सालार टाइगर 3 से नहीं बल्कि डंकी से टकराएगी। उसके बाद से प्रभास शाहरुख खान फैंस के निशाने पर हैं। अब तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि शाहरुख खान फैंस की वजह से प्रभास को इंस्टाग्राम छोड़ना पड़ गया है। तो दोस्तों, आप किस मूवी को देखने जाएंगे, सालार या डंकी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।